हेमरॉइडल या पाइल से लेकर क्रोनिक वेनस इनसेफिशिएंसी यानी नसों में खून जमा हो जाने की जैसी समस्या में यूज की जाने वाली कैप्सूल कैल्शियम डोबिसुलेट। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल मेडिको हेल्प में, जहां आप पाते हैं मेडिकल तथा मेडिसिन की संपूर्ण जानकारी। आज हम बात करेंगे डोबिसिल कैप्सूल के बारे में, जिसे मैन्युफैक्चर किया जाता है सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री लिमिटेड द्वारा। वह डोबिसिल कैप्सूल में कैल्शियम डोबिसुलेट एक्टिव इंग्रेडिएंट के तौर पर पाया जाता है। आगे हम वीडियो में जानेंगे डोबिसिल कैप्सूल के उपयोग के बारे में, कैसे यह कैप्सूल कार्य करती है, क्या इसको यूज करने पर कोई साइड इफेक्ट देखे जा सकते हैं, क्या इसकी डोज रहती है, व और भी अदर इम्पोर्टेंट जानकारी कैल्शियम डोबिसुलेट कैप्सूल से रिलेटेड। तो आप बने रहिए वीडियो में एंड तक पूरी जानकारी के लिए। और अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो मेडिकल तथा मेडिसिन से रिलेटेड ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो शुरू करते हैं। डोबिसिल कैप्सूल में कैल्शियम डोबिसुलेट एक्टिव इंग्रेडिएंट के तौर पर पाया जाता है, जो कि वैसो प्रोटेक्टिव एजेंट है। डोबिसिल कैप्सूल 500 मिलीग्राम व 1000 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में आती है। डोबिसिल कैप्सूल का उपयोग सिर्फ डॉक्टर की एडवाइस पर ही किया जाना चाहिए, वरना यो हार्मफुल हो सकती है। अब जानते हैं डोबिसिल कैप्सूल के उपयोगों के बारे में। तो डोबिसिल कैप्सूल का उपयोग डायबिटिक रेटिनोपैथी यानी यो कंडीशन डायबिटिक के मरीजों में देखी जाती है। इस कंडीशन की वजह से मरीजों को विजन यानी दृष्टि से संबंधित प्रॉब्लम आती है, तो इस दौरान डोबिसिल कैप्सूल का उपयोग किया जा सकता है। सेकंड यूज है हेमरॉइड यानी पाइल्स के दौरान रेक्टम या मल द्वार पर होने वाली ब्लीडिंग, जो कि पेनफुल भी होती है। अक्सर ये ब्लीडिंग रेक्टम की नसों में होने वाली सूजन व रेक्टम की नसों के जमाव के कारण होती है, तो इस दौरान भी डोबिसिल कैप्सूल का उपयोग किया जाता है। इसका थर्ड यूज है क्रोनिक वेनस इनसफिशिएंसी यानी इस कंडीशन में पैर की नसों में वाल्व्स के ठीक से कार्य न करने की वजह से पैर की नसों में खून जमा हो जाता है। इस वजह से पैरों में सूजन, पेन व पैरों में टाइट महसूस होना, ये सिम्टम्स देखे जा सकते हैं। तो वेनस इनसफिशिएंसी के दौरान भी डोबिसिल कैप्सूल का उपयोग किया जा सकता है। फोर्थ यूज है डोबिसिल कैप्सूल का माइक्रो सर्कुलेशन डिसऑर्डर यानी शरीर के उन छोटे छोटे सर्कुलेशन ऑर्गन जैसे ब्लड कैपिलरी व आर्टरीज में यो होने वाली प्रॉब्लम को ट्रीट करता है। तो इस प्रकार डोबिसिल कैप्सूल का उपयोग माइक्रो सर्कुलेशन डिसऑर्डर में भी किया जाता है। डोबिसिल कैप्सूल में मौजूद कैल्शियम डोबिसुलेट ब्लड फ्लो यानी खून की नलिकाओं में खून के संचारण का सही से कार्य प्रभावित करता है। ये कैप्सूल ब्लड में गाढ़ापन को कम करता है और साथ में बॉडी पार्ट के ऑर्गन्स को रिलैक्स करता है। इस तरह यो कैप्सूल अपना कार्य करता है। डोबिसिल कैप्सूल यूज करने के बाद नोजिया यानी जी मचलाना, ज्वाइंट पेन होना, जीआरडी से संबंधित समस्या जैसी साइड इफेक्ट डोबिसिल कैप्सूल यूज करने के बाद देखे जा सकते हैं। डोबिसिल कैप्सूल की डोज डॉक्टर द्वारा तय की जाती है, जो कि पर डे एक कैप्सूल हो सकती है। तो अब तक वीडियो में हमने जाना डोबिसिल कैप्सूल के बारे में, डोबिसिल कैप्सूल के यूज, जो कि डायबिटिक रेटिनोपैथी में होने वाली विजन प्रॉब्लम,
के दौरान व पाइल्स के दौरान होने वाली ब्लीडिंग, पैर की नसों में होने वाले खून के जमाव व माइक्रो सर्कुलेशन डिसऑर्डर। इन कंडीशन में डोबिसिल कैप्सूल का उपयोग किया जाता है व हमने जाना डोबिसिल कैप्सूल की डोज कैसे ली जाती है। तो ये थी आज की जानकारी डोबिसिल कैप्सूल के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, कमेंट व शेयर जरूर करें, और अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।